ओम शांति। जितना हम शिव बाबा से प्राप्त हुए ज्ञान को जीवन में लाते हैं, उसे अपने आचरण में पूरा ढालते हैं, उतना ही ये ज्ञान रूपी लाइट हमारे जीवन को माइट बना देती है। इससे हमारी आत्मा माइट से भरपूर होने लगती है, सर्वशक्तिवान बन जाती है। और जितना जितना इस संगम युग पर आत्मा सर्वशक्तिवान बनती है, उतना ही उसका भविष्य कई जन्मों तक, युगों तक सुखों में सर्व प्राप्तियों से अथाह भरपूर रहता है। तो संगम युग बीज है। इस समय पर स्वयं को इतना माइटफुल बना दो, सर्वशक्तिवान बना दो कि आने वाले समय में हमें कोई भी अभाव ना रहे, और अंत समय भी हम इस खेल को साक्षी होकर देखें और सबको भरपूर करें, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने के, दुखों को हरने के निमित्त बन जाएं। तो ये जो थोड़ा सा समय है, इसमें स्वयं की आत्मा को सर्वशक्तिवान से शक्ति लेकर सर्वशक्तिवान बना दो, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाओ। तो ज्ञान की पहली लाइट है कि मुझ शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। जितना तुम बच्चे मुझे याद करोगे, उतना ही तुम शक्तियों से भरपूर होते जाओगे, उतना ही सर्वशक्तिवान बनते जाओगे। तो सबसे पहला महावाक्य, सबसे मुख्य महावाक्य, ज्ञान की पॉइंट जो शिव बाबा ने हमें दी, उसको जीवन में लाओ और कर्म योगी बनकर हर जिम्मेवारी को, कर्म को निभाते हुए सदा शिव बाबा की याद में समाए रहो। उसको अपने साथ समझो, बुद्धि रूपी आँख से उसे निहारते रहो। तो हम आत्माएं धीरे 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 शक्तियों से भरपूर होने लगेगी और शिव बाबा के समान ही सर्वशक्तिवान बन जाएंगी। तो जितना याद करेंगे, उतना ही शक्तिशाली बन जाएंगे, और इस याद से ही आत्मा सर्वशक्तिवान और भविष्य की राज्य अधिकारी बन जाएगी, मास्टर गॉड बन जाएगी। ओम शांति।